नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से हम एक वीडियो कॉल में आने वाली एक समस्या को दूर कर सकते हैं। कई बार वीडियो कॉल D2H का जो सेट टॉप बॉक्स है हैंग हो जाता है, और उसके ऊपर ये जो सामने डिस्प्ले दिखाई दे रही है, इस तरीके से डिस्प्ले दिखाई देती है। इसके अलावा और कोई भी बटन दबाओ रिमोट का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, इसका मैं आपको आज समाधान बताऊँगा। जब बॉक्स ऑन हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब परसेंटेज ऐसे चलने लगेगी 10 से 15 के बीच, जब ये परसेंटेज पहुंचती है तो हमें D2H के रिमोट को उठाना है और उसमें डायल करना है। उसका सबसे पहले हम दबाएंगे ग्रीन बटन, ग्रीन 05, और उसके बाद म्यूट का बटन दबाएंगे। दोस्तों ये बटन एक साथ नहीं दबाने हैं, एक एक करके दबाने हैं, लेकिन बहुत जल्दी से प्रक्रिया करनी है। जैसे ये दिखाई दे रहा है, इसमें ग्रीन बटन दबाएंगे और फिर 05 म्यूट, ये दबाने के बाद आपका DTH का बॉक्स जो है ऑन होगा, दोबारा से रीस्टार्ट होने के बाद ऑन होगा और ये समस्या का जो समाधान है तुरंत हो जाएगा। इसके बाद वो दोबारा से चैनल स्कैन करेगा और फिर से आप नए अपने चैनल देख पाएंगे। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम ये रिमोट से बटन दबाते हैं लेकिन हमारा D2H का बॉक्स जो है उसको पकड़ता नहीं। उसका कारण ये होता है, कई बार हम RF वाला बॉक्स होता है हमारा, तो उसके लिए RF वाला ही रिमोट यूज होता है, बिना RF वाला रिमोट उस पर लगता नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे और आपका अगर प्रॉब्लम का समाधान हुआ हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।